रीवा के त्योंथर में खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते तकरीबन 42,000 क्विंटल धान अब सड़ रहा है, जिसकी बदबू से अब स्थानीय लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर प्रशासनिक अमला उस ओर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। खाद्य विभाग कह रहा है कि हमने धान को खरीदा ही नहीं है। लॉकडाउन में जहां लोग दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं, वहीं रीवा के त्योंथर और मांगी खरीदी केंद्र में तकरीबन 42,000 क्विंटल धान सड़कर बदबू मार रहा है, मगर जिम्मेदार अपने बचाव के तरीके खोज रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह कह दिया है कि उन्होंने उस धान को खरीदा ही नहीं। दरअसल 3 माह पूर्व जब धान की खरीदी हो रही थी, तभी किसानों ने खरीदी केंद्र में जाकर अपने अपने धान का विक्रय किया था, परंतु अब तक उनके धान को उठाने वाला कोई नहीं आया, जिसकी वजह से अब वह धान सड़हान मार रहा है। विधायक श्याम लाल द्विवेदी का कहना है कि खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते सही समय में फीडिंग ना होने के कारण अब धान खराब हुआ है। वे इस मामले पर सीएम तक से बात करेंगे। खाद्य विभाग के अधिकारी भी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो हमने 2 बार प्रयत्न करके पोर्टल खुलवाने का प्रयत्न किया। ये बहुत पहले पोर्टल बंद कर दिया था और धान की खरीदी बंद हो गई थी। भोपाल जाकर प्रमुख सचिव से खाद्य नागरिक आपूर्ति से मिलकर और 2 बार पोर्टल हमने खुलवाया और धान की खरीदी हुई। जो धान खरीदी के लिए शेष रह गई, धान की तौल भी करा ली गई, लेकिन उसे फीडिंग नहीं हो पाने के कारण पोर्टल बंद हो गया, फीडिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण आज 42,000 क्विंटल धान हमारे 3 खरीदी केंद्रों में 5-6 महीने से डंप पड़ी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम सहकारी समितियों को सौंपा गया था। समितियों ने अपने समयावधि में जब उनको परमिशन मिली, धान की खरीदी उन्होंने की है, और समितियों के पास से अभी कोई ऐसा आवेदन पत्र हमारे पास में नहीं आया है जिसमें यह बताया गया हो कि उनके द्वारा खरीदी गई धान का उठाव या भंडारण होना है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि वो त्योंथर में और जो धान रखी गई है वो, उस बारे में समितियों का कहना है कि वो धान उनकी नहीं है, और जो सामान धान समितियों ने खरीदे नहीं है क्योंकि उनको उपार्जन केंद्र बनाया गया था, जब उन्होंने कहा कि हमारी धान नहीं है तो उसका कोई संज्ञान हमारी तरफ से नहीं लिया गया है। गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार यहाँ पर हम लोगों को धान तौलने की व्यवस्था दी गई, सरकारी बोरी लगी, सरकारी पैसे से इसकी तौल हुई, और तौलने के बाद आज तक न तो इसका उठाव हो रहा है, न कंप्यूटर में फीडिंग की जा रही है, और न ही कि हम सब किसानों का भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण हम सभी किसान भूखों मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।